नमस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है और मैं हूं डॉक्टर पंकज दोस्तों दिसंबर स्टार्ट होने वाला है आ, यहां पे सबसे बड़ी बात यह है कि अब इस समय हम लोटस की किस प्रकार से केयर करें जिससे कि हमारा पौधा बचा रहे और ये जो वरायटी आप देख रहे हैं मिराकिल है और दोस्तों ये वाली जो वरायटी आप देख रहे हैं ये गोल्ड एपल है दोस्तों कोई भी वरायटी हो जितने भी हाइब्रिड लोटस हैं संभवतः वो सभी के यहाँ अब डारबेंसी में चले गए होंगे दोस्तों डारबेंसी वो पीरियड होता है जिसमें पौधा सुप्तावस्था में जाता है हिंदी में से सुप्तावस्था कहते हैं और डारबेंसी के लिए ही लोटस जो है वो कमल ककड़ी या भसीड़ा बनाता है दोस्तों ये जो आप वरायटी देख रहे हैं बूचा है, पास है ये हमारे पास बहुत सारी वरायटियाँ हैं और जितनी भी वरायटीज हमारे पास हैं वो लगभग सबके सब जो है अब जो इस टाइम डारबेंसी में चली गई हैं उनके पत्ते सूख रहे हैं तो बहुत सारे व्यूअर्स हमारे परेशान हो रहे हैं अब क्या करें दोस्तों यही इसी टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं कि डायवर्सि में ठंड के सीजन में आप क्या कर सकते हैं जिससे कि आपका पौधा जो है बचा रहे दोस्तों डायवर्सिटी में बहुत ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं होती है आपको कुछ ऐसे काम हैं जो करने हैं जो अभी आगे वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तों दूसरी बात यह है कि इस समय बहुत ज्यादा देख की भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है अभी कुछ दिन बाद जब आप देखेंगे तो पाला जब पड़ने लगेगा तो इसका जो ट्यूबर है उसको बचाना थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है क्योंकि लोटस जो होता है थोड़ा नाजुक पौधा होता है तो दोस्तों देखिए ये स्थिति इस समय की है आप देख रहे होंगे कि सारे पत्ते सूख गए हैं इसके अलावा जो पत्ते सूखे नहीं हैं देखिए इसमें तो कोई पत्ता ही नहीं बचा हुआ है जो पत्ते सूखे नहीं हैं उन पत्तों पे बहुत बुरी तरीके से जो है वो फंग, फंगस ग्रो कर रहा है तो दोस्तों सबसे पहले आपको एक काम करना है कि जितने सूखे हुए पत्ते हैं इनको आपको रिमूव कर देना है अः क्योंकि ये पत्ते हैं इनका कोई मतलब नहीं है क्योंकि फोटो कर नहीं पा रहे हैं देखिए इस वाले पत्ते पे कितने दर आप देख रहे होंगे कि कितना ज्यादा पत्ता जो पत्ते हरे हैं आपको जितने पत्ते आपको हरे दिखाई दे जाएं उनको छोड़ देना है लेकिन इस प्रकार से जिन पत्तों की किनारियां खराब हो रही हैं देखिए ये वाले पत्ते जो है अभी हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ यहाँ से देखिए इसमें बीच में देखिए खराब हो रहे हैं हालांकि चारों तरफ क्लोरोफिल है ऐसे पत्तों को भी आपको रिमूव कर देना है बिल्कुल जो पत्ते हरे हैं उनको आपको बचा के रखना है दोस्तों देखिए ये जो है पत्ते इनमें फंगस ग्रो हो रहा है और ये इस समय की स्थिति है देखिए इसमें जो है जो है वो ग्रो हो रहा है तो सबसे पहले तो डकबीट को आपको साफ कर देना है लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको राय देना चाहेंगे डकबीट को पूरी तरीके से जो है वो साफ नहीं करना है क्योंकि थोड़ी बहुत अगर डकबीट डकबीट बचती है तो वो प्रोपोगेट करेगी और एक लेयर बना लेगी इसमें भी देखो दोस्तों बहुत सारी डकवीट है लेकिन बहुत सारे पत्ते जो हैं वो खराब हो गए हैं तो दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि आपको डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है इस टाइम क्योंकि आप अगर आप सोच रहे हो अब क्या करेंगे खराब हो जाएगा जैसे ही ठंड निकलेगी माने जनवरी लास्ट में फरवरी शुरुआत में कहीं ना कहीं पर से इसमें स्प्राउटिंग इस होना शुरू हो जाएगी और वही एक टाइम होता है जहाँ पे आप क्या करेंगे कि पौधे को रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों देखिए ये ट्यूबर है इसको हम भसीड़ा कहते हैं ट्यूबर दोस्तों जो होता है ये पौधे का एक तना है मैंने जिस जिस तरीके से भूमि का तना कहते हैं आलू का उसी प्रकार का तना है और इसमें नोट्स होते हैं वहाँ पे इसमें रूट्स निकलती हैं ट्यूबर जो है कमल बनाता है इसीलिए है कि जब ये डार्वेंसी पीरियड में जाए माने जब अनफेवरेबल कंडीशन में या प्रतिकूलावस्था में जाए तो उस समय अपने को कैसे जीवित रख सकता है और इसी वजह से हम लोग जो है इसको खाने के रूप में यूज करते हैं कहीं कहीं इसको भसीडे के नाम से जानते हैं कहीं इसको भींस के नाम से जानते हैं और पढ़ी लिखी भाषा में इसको कमल ककड़ी कहते हैं तो दोस्तों कमल ककड़ी की सबसे बड़ी खास बात यही होती है कि ये जो लोटस जो है इसके पत्ते आपने देखे होंगे बहुत चौड़े होते हैं जितना प्रकाश संश्लेषण करता है ये भोजन बनाता है ये अपने बसीने के अंदर माने कमल ककड़ी के अंदर ही जो है इसको, इसको स्टोर करता है और दोस्तों यही सबसे बड़े इस समय टास्क होता है कि जो आपका लोटस है इसको ठंड से आपको बचाना है तो इसके लिए सबसे पहले आपका जितनी एलगी है उसको साफ कर देना है अभी आपको बताएंगे आगे कि किस प्रकार से एल को जो है साफ कर सकते हैं दोस्तों लोटस के संबंध में अगर आपको कोई दिक्कत है किसी प्रकार का आ, कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी भी आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें दोस्तों कैंची ले सकते हैं या कोई ब्लेड ले सकते हैं और इस प्रकार से जितने भी आ, पुराने पत्ते हैं इनको जो है आपको इस प्रकार काट देना हटा देना है दूसरी बात यह है दोस्तों ऐसा कतई आपको नहीं करना है कि पत्ते नहीं है तो उसमें पानी नहीं मतलब रखना है ये केवल आप लोगों को दिखाने के लिए हम दिखा रहे हैं आप ध्यान से देखिए इसमें पानी बहुत कम है तो पानी का लेवल आपको मेंटेन करके रखना है सबसे पहली टिप जो है वो यही है क्योंकि पानी जो है वो इंसुलेटिंग का काम करता है अगर डकबीड है या कोई दूसरा हाइड्रोफाइट आपके पास है वो अगर आप इसमें डालना चाहें तो डाल सकते हैं क्योंकि जब मौसम ठंडा होगा तो जिसकी ठंड जो है वो इसके ट्यूबर तक नहीं जाना चाहिए इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है हम तो यही करते हैं कि पानी की पर्याप्त मात्रा हम बनाए रखते हैं और जितने भी इस प्रकार से पत्ते हैं इन पत्तों को हटा देते हैं कुछ तो दोस्तों लोग ऐसा भी करते हैं कि इनके जो पत्ते होते हैं इनको इसी मिट्टी के अंदर दे दबा देते हैं दोस्तों देखिए एलगी आपको दिखा रहे हैं आ, तो इस एलगी को भी आपको थोड़ा सड़ा देना है हालांकि एलगी अगर बनी रहेगी तो ये फ़ायदा ही करेगी लेकिन कभी भी आपके जो पुराने पत्ते हैं सड़े पत्ते हैं या सूखे पत्ते हैं इनको इसकी मिट्टी के अंदर बिल्कुल नहीं दबाना है क्योंकि इसमें अगर कोई फंगस वगैरह होता है तो वो मिट्टी में कर जाता है और इसका राइजोम खराब हो जाता है कमल चू तो की नाजुक पौधा होता है इसलिए ये थोड़ा दिक्कत करता है दोस्तों देखिए एक टूल हमने बनाया हुआ है और टूल क्या है एक पतली सरिया जो है जिसको पिटवा दिया इस प्रकार से हमने उसको वो कर दिया है अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो गार्डनिंग में ये टूल आप जरूर बनवा लें दस से पंद्रह रुपए में बहुत आसानी से बन जाता है पतली सरिया जो लेना है और आपको इस प्रकार से मोड़ के इसको पिटवा देना है इससे सबसे बड़ी फायदा तो ये देखिए किस प्रकार से आप हाथ गंदे नहीं होंगे आपके जितना सड़ा गड़ा पदार्थ है यहाँ पर से निकल जाएगा और दोस्तों दूसरी बात यह कि अगर मान लिया आप ऐसी गार्डनिंग करते हैं तो गुलाब है या कांटेदार पौधे हैं उनको भी गोड़ने के लिए गुड़ाई करने के लिए एक अच्छा टूल है तो बहुत महंगा टूल नहीं है इस प्रकार से एक टूल जो है आप बनवा सकते हैं और गुड़ाई करने में बहुत काम करता है और तो सफाई करने के लिए ये बहुत ज़्यादा जो है आवश्यक है तो दोस्तों इस प्रकार से आप सफाई कर दें जितनी हो सके लेकिन बहुत डीप सफाई बहुत क्लीन ज़्यादा नहीं करना है दोस्तों दूसरी बात है कि जो सबसे खास बात है इस समय आपको किसी भी प्रकार का कोई भी फर्टिलाइजर नहीं देना है आ, ऐसा नहीं करें कि आप जो है इसमें पर डी या एन के कुछ भी दें कतई नहीं देना है डी ए पी एन पी के केवल आपको पानी मेंटेन करना है और वो भी पानी बहुत ज़्यादा मेंटेन नहीं करना है मैंने थोड़ा सा आ, कम से कम एक इंच तक पानी जो है आपके इसके सरफस से ऊपर रहे और दोस्तों जैसे ही ठंड खत्म होगी उसके बाद इसमें स्प्राउट होगा और उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि फिर आप इसको रिपोर्ट करेंगे दोस्तों रिपोर्ट करने का तरीका हम अभी यही भी बताए दे रहे हैं कि रिपोर्ट करने के लिए एक टब में एक ही आपको मसीना डालना है एक ही राइजोम डालना है एक ही जो है ट्यूबर डालना है ज़्यादा ट्यूबर नहीं आँ आँ आपको नहीं डालना है और इसके देखिए दोस्तों ये बिल्कुल साफ हो गया है अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें हम जो है पानी इस प्रकार से भर दे रहे हैं तो दोस्तों ये कुछ खास जानकारी थी जो आपको बताना हम चाह रहे थे उम्मीद करते हैं आपको हमारी जानकारी पसंद आई होगी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों जनवरी लास्ट में और फरवरी की शुरुआत में आप लोटस ट्यूबर के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं हमारे पास बढ़िया बढ़िया वरायटी है और हम निश्चित रूप से अच्छी वरायटी आपको देते देते हैं इसके अलावा हम केयर टिप्स भी लगातार देते रहते हैं तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में आज के लिए बस इतना ही उम्मीद करते हैं कि आप इसी प्रकार से बताई गई जानकारी के हिसाब से अपने लोटस टब को ट्यूबर को केयर करेंगे जय हिंद